हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हमने अपने चूल्हे का कर दिया है उद्घाटन। देख सकते हैं यहाँ पे बन रही रसगुल्ले की चाशनी, जो कि पक रही है कुछ देर से अभी और पकने वाली है। यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ है, वो कह रहा है हमको नहीं दिखा रहा, वो पहले ही बोलने लग गया। और यहाँ पे आलू भूंज, मतलब आलू भूंजे हैं तो खा रहे हैं नमक से, अभी और भूंजने बाकी है। और हम लोग आज रसगुल्ले बनाने वाले हैं, चूल्हे का मजा ले रहे हैं, ताप भी रहे हैं यहाँ पे, और चाशनी बन रही है आराम से। अब देखते हैं कितने बजे तक पकती है। ये देखो मौसी रो रही है बैठ के, रो नहीं रहे हैं, प्याज काट रहे हैं। रसगुल्ले की चाशनी बन चुकी है और हमने अब यहाँ पे चढ़ा दिया रिफाइन। रसगुल्ले निकालने के बाद, रसगुल्ले बनने के बाद बनेंगे पालक और प्याज के पकौड़े और चाय, बस हम लोग यही खाएंगे। आज नाश्ता करेंगे, बैठे एकदम आँच में, हल्की हल्की आँच लग रही है। सर्दियों में सुबह में मजा आता है। देखो स्वेटर वेटर सारा सब उतार के फेंक दिया इनको, इतनी गर्मी लग रही है। बढ़िया से कुछ पहनने रसगुल्ला बनाने लगी है, रसगुल्ला बन रहे इधर पे, मतलब हमारे रसगुल्ले बनने लगे हैं। देख सकते हैं धीमी आंच में पकाएंगे हम इस तरीके से। मेरा बाबू बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ही मिला दे हुए इस लड़के को। बना देने देना ठीक, बीच में हमको चूल्हा छोड़ के ना बैठना पड़े ना बेटा। वो सुन रहा है शांति से, बस फीलिंग आ रही है। औरतें चूल्हे में खाना बनाती है, बच्चों को लेके बैठती है, लेकिन हमारा बच्चा इतना सीधा नहीं है जो हमको बैठने दे। 10 मिनट से ई कर रहा है, लेके चलो अंदर। और अब हम यहाँ पे बनाने लगे हैं गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। खा जाओ सब लोग, चाय के साथ, चटनी के साथ। और मेरे पति देखो शौक लगा है, फूकनी फूकने में लगे हैं, फूक रहा है कि नहीं, चूल्हा जलाने में लगे हुए हैं। आज, आज तो मजा ही आ गया है ना। आज बिल्कुल देसी स्टाइल, देसी स्टाइल में, देसी स्टाइल। और देख सकते हैं दोस्तों हमारा सब कुछ बन चुका है, हमारा सब कुछ बन चुका है। हम लोग खा पी के बैठे हुए हैं, अब इनको खाने आलू खाने तो सभी को है। तो ये भूंज रहे हैं आलू यहाँ पे, चूल्हा हम लोगों ने बुझा दिया है, पकौड़ी बन गई, चाय बनी, खूब खाए मजे से। और बड़ा मजा आया आज हम लोगों को चूल्हा जला के और चूल्हे में का खाना खा के देसी स्टाइल से। सब लोग खा चुके हैं, हम भी रह गए हैं, खा चुके हैं आधे, हम भी खा रहे हैं। यहाँ पे मेरा बेटा परेशान कर रहा है, टाइम हो चुका है 11:30 हो चुका है, बहुत लेट हो गया है, बस उसको सुलाना है, जैसे तैसे वो खेल रहा है। और अब यहाँ खा रहे हैं सब लोग भूंजे हुए आलू। मेरा बेटा देखो, इसके मैंने स्वेटर वेटर उतार दिए, इतना रो रहा था, लग रहा था कि ये सो जाएगा। और बच चुका है 12, लेकिन इसकी नींद भाग गई है। देखो आलू खाने में लगा हुआ है, टेस्ट मिल रहा है उसको। चूल्हा जलाने के बाद जो बचती है आग, उससे बनाए अब ये सब लोग भी यहाँ पे खाने में लगे हुए हैं। चूल्हा बुझ चुका है, 12 बज चुका है, अब सोते हैं, कल फिर मिलते हैं। और अब खाना पीना खाने के बाद फ्री होकर 12 बजे हम लोग बैठ गए हैं साग तोड़ने के लिए, क्योंकि कल बनाना है साग, चने का साग है ये, तो तोड़ के रख ले। बड़ी बड़ी डंडियां हैं, उधर मेरा बेटा टिटी आने लगा है, हमको नहीं दिखा रहे। और अब हम आ गए अपने किचन की ओर, जो कि रसगुल्ले बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने बड़े बड़े रसगुल्ले बन चुके हैं, गल जाएंगे अच्छे से, खा जाइए आप लोग भी मीठा मीठा। तो हम पूछते हैं आपसे मेरे पति देव, हाँ। हैं खाना कैसा लगा चूल्हे का, मजा आया खाने में? ये देखो चाट रहे हैं, टाइम लग जाता है थोड़ा ना, रोज बनाओ तो आदत पड़ जाती है, कभी कभार बनाओ तो दिन में ठीक है, कभी कदार अच्छा है, डेली बनाने वाले पूछो बेचारों से। तो नींद आ रही है, 12:30 बज चुका है, लड़का मेरा सो नहीं रहा है, ये इधर आ गई रसगुल्ला खाने के लिए, इसका सुबह का सफर नहीं हो रहा। नीचे से निकाल दिए गले 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 हुए खाएंगे, और क्या किया जाए, देख सकते हैं पूरे के पूरे 12:30 बज चुके हैं, और यहाँ किसी की आंखों में नींद नहीं आ रही, सबसे ज्यादा इसके नहीं आ रही है। इनको मिल गई चॉकलेट, खा तो नहीं रहे, पन्नी लेके घूम रहे हैं ये, देखो देखने लगे क्या कर रहे हो, कब सो गए बेटा, 12 बज गया है, तुम तो सुबह सो जाओगे दोबारा 9 बजे फिर सो जाते हैं। क्यों ले ली चॉकलेट इसकी, तो भाई खाओ रसगुल्ले, बताओ कैसा बनाया है। अच्छा है, अच्छा है, सबकी मेहनत है इसमें, गोल गोल मेरे पति देव ने किए, फ्राई थोड़े से हमने किए, फिर थोड़े इनने किए, चाशनी हम दोनों ने पकाई, चूल्हा इन्होंने बनाया, और चाय भैया ने बनाई, आलू इनने भूंजे, आधे भूंजे आधे भूंजे लगे हुए हैं। अब भाई सुबह कब हो, 12:30 तो बजी गए, पता नहीं कब सोएगा, नींद आ रही है, कब सोएगा, सुबह भी तो उठना है, देखो कैसे लड़ने में लगा है।
सब हो गया है, बहुत टाइम एक बजने वाला है, इस लड़के को नींद नहीं आ रही, जबरदस्ती लेटाओ और सुलाओ उसको भाई, सोते हैं सुबह जगना भी है इसका तो कुछ नहीं है, दोबारा सो जाएगा ये। चलो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बाय बाय बोलो सब लोग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई इसकी।